अच्छा भाई, जो नींद होती है ना वो इंसान की देखो सबसे बड़ी दोस्त होती है, लेकिन जब बात आती है पढ़ाई की तो वो बन जाती है यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी दुश्मन। हाय एवरीवन एंड गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू लैब मेरे यानी उत्कर्ष अग्रवाल के साथ। तो आज मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सी बेसिक टिप्स डिस्कस करूँगा जो कि खुद मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में अप्लाई करी है। एंड ऑफ कोर्स आपको मालूम है मैं टीचर हूँ, तो एज अ टीचर कभी भी रिसर्च खत्म नहीं होती। आज भी मैं रात में 12-12 1-1 बजे तक आप लोग के लिए यहाँ पर पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को भी बताई जिन्होंने अपनी एक्सेस स्लीप की प्रॉब्लम को ओवरकम किया है, चलिए यहाँ पर 1-1 करके हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप लोग बताइए कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे या नॉर्मली आराम से बैठे रहते हैं, बातचीत कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं तो नींद नहीं आती, लेकिन जैसे ही आप लोग ने अपने सामने वहाँ पर किताब खोला, आपके सामने आया दिल्ली सल्तनत, वहाँ जैसे ही अकबर आप लोग ने बाबर देखा, तुरंत आप लोग का शटर क्या हो जाता है, आपका डाउन होने लगता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ना, तो पहली चीज़ देखो आप लोग को क्या करनी है कि जहाँ पर भी आप लोग सोते हैं वहाँ पर आपको लेट कर नहीं पड़ना है। इसके बारे में एक छोटा सा मैं किस्सा बताऊँगा। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, आपको मालूम है कि कितने असाइनमेंट्स होते हैं, कितने वहाँ पर हमारे डेली के प्रैक्टिस टेस्ट वाइवा बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। तो जैसे मैं यार कॉलेज में रहता था, भले मुझसे आप लोग 5-5, 6-6 बजे तक काम करा लो, मैं पूरा एनर्जेटिक रहता था, लेकिन एक बार अगर मैंने घर में यहाँ पर 3 बजे भी एंटर कर लिया ना, रूम में पता नहीं क्या ऐसी हवा होती थी कि अपने आप यार नींद आने लगती थी, आगे का सारा काम क्या होता हो जाता था चौपा। तो पहली मेरी टिप तो ये है कि जहाँ पर आप लोग सो रहे हैं वहाँ पर आप लोग को पढ़ाई नहीं करनी, आइदर यूज अ स्टडी टेबल या फिर आप लोग कहीं भी आराम से बैठ कर पढ़ सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। देन सेकेंड चीज़, ये आप लोग की स्पेशली एप्लीकेबल होगी जो आपके थोड़े से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो जाते हैं। अगर आप लोग को मान लो जी के जी एस इंग्लिश पढ़ते समय नींद आती है, तो आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, देखो राइट समथिंग डाउन, बिकॉज इससे होता क्या है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना हमारी मसल का मूवमेंट होता है तो हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है, हमारा जो ब्लड फ्लो है वो बना रहता, तो उस समय भी हम लोग को नींद नहीं आती। अगर फिर भी आप लोग को नींद आ रही है तो आप लोग एक काम कीजिए कि टहल टहल कर पढ़िए, स्पेशली जो हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बीच बीच में पानी पीते रहिए, तो आपकी नींद जो है एकदम यहाँ से भाग जाएगी। अब मैं यहाँ पर तीसरी चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसकी देखो आदत मत डालिएगा, लेकिन जो आपका च्युइंगम होता है, जैसे मान लो आप लोग पढ़ने बैठे शाम का 6-7 बजे आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको नींद आने लगी, आप लोग तुरंत वहाँ पे एक च्युइंगम खा लेंगे तो आपकी जो नींद है डेफिनेटली भाग जाएगी। इसको एक बार अप्लाई करके देखिएगा, ये सुनने में हालांकि बड़ा बचकाना सा लग रहा हो, लेकिन डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, डू ट्राई इट आउट वंस। देन जो यहाँ पर नेक्स्ट टिप मैं देना चाहूँगा, बिकॉज देखो आप मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई करते हैं या तो लैपटॉप से या तो अपने फ़ोन से, तो उससे हमारी आइज़ क्या है काफ़ी वेरी हो जाती है ना, उससे भी हमें नींद आती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि देखो अगर आप रात में स्पेशली पढ़ रहे हैं तो नाइट मोड ऑन कर लीजिए, या तो फिर ये जो जैसे आप लोग देख रहे होंगे ये एक ब्लू लेंस है, ब्लू कट लेंस है, बिकॉज फ़ोन से लैपटॉप से हमारी ब्लू रेज निकलती हैं, तो आप लोग को ये ब्लू कट लेंस एक चाहिए होगा। इससे हमारी देखो आँख में काफ़ी कम असर होता है। मैं जब भी पढ़ाई करता हूँ, कोई भी मैं मुझे क्लास भी लेता हूँ, आप लोग देते हैं, हमेशा मैंने इस ब्लू कट लेंस को पहन के लिया है। थोड़ा सा आप लोग को आई गेस ये एंगल भी दिख रहा होगा ना, थोड़ा सा हल्का सा ब्लू, तो ये आप लोग को डेफिनेटली अप्लाई करना है। देन जो नेक्स्ट मेरी दो टिप्स होने वाली है आपकी फूड एंड एक्सरसाइज से रिलेटेड। अब खाने भी हम लोग क्या खाते हैं ये भी यार काफ़ी हम लोग को इफेक्ट करता है कि हम लोग को कैसे नींद आनी है। आपको एक बताता हूँ यहाँ पे, देखो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अपनी डाइट में एटलीस्ट 30-40% जो रॉ फूड है उसको इंट्रोड्यूस करें। अब रॉ फूड में घास फूस खाने के लिए तो बोल नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो आप लोगों के वेजीज हो गए, फ्रूट्स हो गए, आप लोग के सैलड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप लोग, स्प्राउट्स, बिकॉज ये बॉडी हमारी बॉडी जो होती है बहुत ही ईजिली डाइजेस्ट कर लेगी, तो उसमें कम एनर्जी का यूज़ होएगा। ऑब्वियस बात है कम एनर्जी का यूज़ होगा तो आपको नींद नहीं आएगी। और इसी की जगह अगर मान लो आप लोग ने अगर बटर चिकन और रोटी खाई है दोपहर के खाने में, तो हमारी बॉडी को उसको ब्रेक डाउन करने में एक्सेस एनर्जी की नीड होगी, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग उसके बाद थक जाते हैं तो नींद तो आएगी ही ना। ये हो गया आप लोग के खाने से रिलेटेड। एंड खाने के तुरंत बाद अगर आपको नींद आती है तो टेक अ 30-मिनट ब्रेक, तुरंत बाद आप लोग पढ़ने पर बैठिए, कुछ भी आप लोग कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं अपने दोस्तों से, फैमिली से बातचीत कर सकते हैं, या फिर जो भी आप लोग फनी क्लिप्स देखना चाहते हैं 30 मिनट्स तक वो देख सकते हैं, ठीक है, यू कैन ईजिली अफोर्ड दैट। देन लास्ट स्टेप आती है यहाँ पर एक्सरसाइज की। अब एक्सरसाइज बोलेंगे सर एक्सरसाइज करने से तो और थक जाते हैं, तो कैसे एक्सरसाइज करेंगे तो और नींद आएगी, ऐसे कैसे काम चलेगा, जी नहीं। एक्सरसाइज जब हम लोग रेगुलरली करते हैं तो हमारी बॉडी जो है एंडोर्फिन्स रिलीज करती है, ये एक हार्मोन होता है, बेसिकली इट्स अ ब्रेन फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये भी आप लोग को काफ़ी हेल्प करेगा अपनी स्लीप को ओवरकम करने पे। एंड जो लास्ट टिप मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ये केवल आप लोग तभी देखो अप्लाई करेंगे जब ऊपर की सारी चीज़ें आप लोग ने कर ली है और उसके बाद भी आप लोग को नींद आ रही है।
तो आप लोग को यहाँ पर कैफीन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपनी डाइट में। कैफीन मतलब बेसिकली कॉफ़ी, लेकिन इसकी डेली रिकमेंडेड इनटेक होती है, उसको एक्सीड नहीं करना। मैंने बताया हुआ है मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, तो आप लोगों को डेली 300 mg से 400 mg, इससे ऊपर नहीं लेना है। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। अगर मैं कॉफ़ी के टर्म से बताऊं तो आप लोग 2 से 3 कप कॉफ़ी मैक्सिमम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे नींद एकदम भाग जाएगी। और एक और चीज़ यहाँ पे कि सोने से तुरंत पहले कॉफ़ी मत पी लीजिएगा, वरना फिर रात के 2 बज जाएगा 3 बज जाएगा, आपकी आँख जो है वो खुली रहेगी, ठीक है, आँखों का शटर वहाँ पे खुला रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को आप लोगों को हेल्प करेंगी, ठीक है। एक बार इसको डेफिनेटली अप्लाई करके देखिएगा, एक दिन में भले ही ना करें, 2 दिन में ना करें, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते इसको आप लोग अप्लाई करके देखेंगे, डेफिनेटली आप लोग को रिजल्ट मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नेक्स्ट आप लोग कौन से टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हैं ये भी ज़रा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।